हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, बाकी लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं जी इसे। और मैंने ग्रुप रोल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, और हमने पढ़ा था कि तीन तरह के ग्रुप रोल्स होते हैं। सो ग्रुप रोल्स को देखते हैं आज। बाकी लोग ज्वाइन कर लें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, बाकी लोग किधर हैं भाई? 10 लोगों ने ज्वाइन किया है सिर्फ। बाकी लोगों को बुलाएं जल्दी से।
हाँ जी क्लास तो स्टार्ट करते हैं यार। 17 स्टूडेंट्स हैं बस। चले एनी हो, ग्रुप रोल जो हमारी लास्ट टाइम बात हुई और फिर मैंने आप लोगों को बताया था ग्रुप रोल्स के हवाले से कि 3 तरह के रोल्स होते हैं, टास्क रोल्स, सोशियो इमोटिव या इमोशनल रोल्स और सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स या ब्लॉकिंग रोल्स। तो इनमें से जो पहला रोल है टास्क रोल्स, वो हम पढ़ते हैं आज। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। सो टास्क रोल को पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग एक दफा इसको रीड आउट करें, उसके बाद आप लोग मुझे बताएं कि इससे क्या समझ आ रही है टास्क रोल से, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। चलें जी। सो टास्क रोल, वर्क रोल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है जी वर्क रोल या टास्क रोल, विच हेल्प्स द ग्रुप टू कम्प्लिश इट्स टास्क। ठीक है, वो रोल हम लोग जो ग्रुप के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके जरिए हम लोग अपना जो है वो क्या कहते हैं कि कोई टास्क ग्रुप का जो है ना परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर सबसे पहला जो वो रोल है वो है इनिशिएटर का। वो बंदा जो कि कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेने वाले ग्रुप के अंदर कुछ लोग होते हैं। आप अपनी वार्ड में भी देखते होंगे कुछ लोग बहुत इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, इनिशिएटर्स होते हैं, काम को फौरन से स्टार्ट करते हैं और बाकी लोग ग्रुप जो है उनके साथ मिल जाता है। ठीक है ना। उसके बाद इंफॉर्मेशन ओपिनियन सीकर, कुछ लोग होते हैं वो जो है ना वो इंफॉर्मेशन सीकर होते हैं, ओपिनियन सीकर होते हैं, रिक्वेस्ट फैक्ट, आस्क फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, रिक्वेस्ट अ स्टेटमेंट, सीकिंग सजेशन एंड आइडियाज। तो वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी ओपिनियन दें और अपने अपनी चीजों का हिस्सा जो है ना वो डालें।
उसके बाद नेक्स्ट इज क्लैरिफायर एंड एलेबोरेटर। कुछ लोग होते हैं वो चीज़ों को क्लैरिफाई करने के अंदर बड़े अच्छे होते हैं, चीज़ों को आइडियाज़ को एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ हैं इंफॉर्मेशन और ओपिनियन गिवर्स, कुछ लोग रिसोर्सफुल होते हैं ग्रुप के अंदर और वो बड़ा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन वगैरह जो है ना वो दे पाते हैं, अच्छे से इंफॉर्मेशन शेयर करना उन लोगों को आती है। सो ये टास्क रोल है, आगे भी होंगे। हाँ जी, और टास्क क्या, वर्क रोल क्या है, इनको भी पढ़ें जरा और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगेन मैं बता दूं कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई 10 जो है ना टास्क रोल्स, वर्क रोल जो है ना एक बंदे के ग्रुप में जो है ना वो एन्यूमरेट करें, तो दिस इज इम्पोर्टेंट एज वेल। सो इसको पढ़ लें और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहला है जी ओरियन ओपिनियन गिवर, कुछ लोग बड़ा अच्छा मशवरा देने वाले होते हैं ग्रुप के अंदर। एलेबोरेटर, कुछ लोग बहुत अच्छा चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं। कोऑर्डिनेटर, कुछ लोग चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। कुछ लोग अपना रोल जो है वो ओरिएंटर की तरफ बनाते हैं, लाइक कोई भी अगर काम में डिस्ट्रेक्शन हो रही हो तो वो चीज़ों को ओरिएंट करते हैं, चीज़ों को समराइज करते हैं। सम पीपल आर एवेल्यूएटर क्रिटिक, कुछ लोग नुक्ताचीनी करते हैं अगर ग्रुप के अंदर कुछ गलत चीज़ हो रही है, कुछ काम ठीक से नहीं हो पा रहा। कुछ लोग एनर्जाइजर होते हैं, मोटिवेट बड़ा अच्छा तरीके से करते हैं ग्रुप मेंबर्स को ताकि वो अपना काम कर सकें। प्रोसीजरल टेक्नीशियंस, कुछ लोग जो है ना वो हमारे टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, उनको बड़ी अच्छे से जो है ना डिफरेंट चीज़ें आती हैं। सपोर्ट ग्रुप एक्टिविटी बाय अरेंजिंग द एनवायरनमेंट, जैसे अगर आपकी कोई वहाँ मीटिंग वगैरह हो रही है या फिर आप कोई एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो कुछ लोग आईटी के बड़े अच्छे स्किलफुल लोग होते हैं तो वो आपको एज अ रिसोर्स पर्सन जो है ना अपनी खिदमात देते हैं, आप कंप्यूटर को अटैच करना, उसको लेके चलना, ये सारा कुछ। और उसके बाद है जी कुछ लोग रिकॉर्डर होते हैं जो डॉक्यूमेंट बड़ा अच्छा करते हैं चीज़ों को ग्रुप की, तो ये सारे के सारे हमारे ना टास्क रोल थे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इन टास्क रोल्स को रट्टा लगाना है आपने, ठीक है जी। ये 10 12 टास्क रोल हैं और एग्जाम में ये बड़े अच्छे से आ जाते हैं, अच्छे से याद करना है, याद करके ईमानदारी से आप लोगों ने कमेंट में लिखना है।
अभी याद कर लें इसे, और उसके बाद आपने इसको वो करना है, नरेट करना है। हरी अप, अभी आप लोगों ने इसको याद करना है, इन रोल्स को पीपीटी डाउनलोड कर लें बेशक, और इसको याद करें। हाँ जी, याद हुए कि नहीं अभी आपको? नेक्स्ट चलें। चलें जी, अब आप जरा मुझे लिख के दें वर्क रोल को कौन याद किए हैं आपने, फिर मैं आगे सोशियो इमोशनल रोल्स की तरफ जाऊंगा, नर्सरिंग रोल्स।
वेरी गुड। हरम नशीन, फातिमा, ममूना शरीफ, सुंबल जफर और बाकी लोग। फरीन, इनकी अटेंडेंस लगाते जाओ। जो लोग रोल लिख के भेज रहे हैं ना, बता रहे हैं, इनकी अटेंडेंस लगाते जाओ। बाकियों की नहीं लगानी। फौजिया, फिर आप अटेंडेंस लगा लो। फौजिया, ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, जो लोग शेयर कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस लगाओ। सही है फौजिया, अटेंडेंस लगाओ उन लोगों की जिन लोगों ने आंसर शेयर किया है। फिर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। जी, आप लोग ब्रेक ले लें। 10 मिनट्स की ब्रेक है, फिर 4:40 पे ज्वाइन करते हैं जी हम।
जी अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, सो नेक्स्ट जो हमारे रोल हैं, पहले हमने वर्किंग रोल पढ़े या टास्क रोल पढ़े, अब हम आ जाते हैं सोशियो इमोशनल नेचरिंग रोल्स या रिलेशनशिप रोल्स, मेंटेनेंस रोल्स। ठीक है कि ये कौन से रोल्स होते हैं जो कि ग्रुप में परफॉर्म किए जाते हैं। तो कुछ हम सोशल रोल्स जो है ना, वो जब ग्रुप में होते हैं तो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये वो सोशल रोल्स हैं जो कि हम लोग ग्रुप में परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है और एग्जाम में आ सकते हैं। सो नर्चरिंग रोल फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द ग्रुप। नर्चरिंग रोल्स जो होते हैं वो ग्रुप के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जहां पे भी दो ह्यूमन बीइंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक सोशल रिलेशन बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला रोल जो है वो है इनकरेजर। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्स मेंबर्स फॉर देयर ओपिनियन एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप। ये बंदा क्या करता है, ये लोगों को इनकरेज करता है, कोई अच्छी चीज करता है तो उसको शाबाश देता है, उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करना है। अगला है जी हार्मोनाइजर, रिलीव्स टेंशन एंड कंफ्लिक्ट। तो हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो कि सुलह सफाई करवाता है लड़ाई झगड़ों के ऊपर, तो वो हार्मोनाइजर कहलाता है। ठीक है जी, उसके बाद है जी कंप्रोमाइजर, सुप्रेस ऑन पोजीशन टू मेंटेन ग्रुप हार्मनी। तो हमारे ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी गेट कीपर, इनकरेजेस ऑल ग्रुप मेंबर टू कम्युनिकेट एंड पार्टिसिपेट। तो एक बंदा जो है वो गेट कीपर के तौर पे एक्ट करता है और लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है ग्रुप के अंदर, या फिर आप ये कह लें कि लोगों के पोटेंशियल को बाहर निकालता है। ग्रुप ऑब्जर्वर, तो एक बंदा होता है वो खामोशी सारे ग्रुप की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है और नोट करता है उन्हें। ठीक है जी, उसके बाद एक फॉलोअर होता है, पैसिवली अटेंड मीटिंग, लिसन टू डिस्कशन एंड एक्सेप्ट ग्रुप डिस्कशन। तो एक बंदा जो होता है ना, वो बिल्कुल भी कोई पार्टिसिपेट तो नहीं करता, लेकिन ग्रुप को फॉलो करता है, ग्रुप के साथ अटैच रहने की कोशिश करता है। तो ये ग्रुप के कुछ सोशल सोशल इमोटिव रोल्स हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं कुछ बुरे रोल्स, इनको ब्लॉकिंग रोल्स भी कहा जाता है, सेल्फ ओरिएंटेड रोल भी कहा जाता है, जो के हमारे ग्रुप्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जो ग्रुप हैं उनके अंदर नेगेटिविटी लाने की कोशिश करते हैं, ये वाले रोल। सो प्लीज जरा इसको ना आप लोग एक दफा रीडिंग दें और मुझे बताएं कि यहाँ पर आपको क्या समझ आ रही है इन रोल से। ये भी 5-7 रोल हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। जी इसको रीड आउट करें और फिर मुझे बताएं कि इसमें क्या समझ आ रही है।
हाँ जी, सो आई होप आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लिया होगा। सो ये ब्लॉकिंग रोल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रुप को डिस्ट्रॉय करते हैं ये वाले रोल्स। इस तरह के लोगों को या तो समझाना चाहिए या से ग्रुप, या फिर ग्रुप से जो है ना वो उसको आउट कर देना चाहिए। तो सबसे पहला जो रोल है ना वो एक डोमिनेटर का रोल है, हु इंटरप्ट्स अदर्स, ट्राइज टू लीड ग्रुप एंड असर्ट अथॉरिटी, इज जनरली ऑटोक्रेटिक, ही कैन प्रोवाइड गुड लीडरशिप इन ग्रुप डिस्कशन बट कैन ऑल्सो मेक डिफिकल्टीज फॉर अदर टीम मेंबर्स। तो कुछ लोग होते हैं ग्रुप के अंदर जिनको लीड लेने की हमेशा जो है ना वो कोशिश होती है, वो बाकी लोगों को जो है ना वो खातिर में नहीं लाते हैं और अपनी बात मनवाने की, अपनी बात करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाकी ग्रुप की इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब होती है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं नेगेटिविस्ट, ठीक है, जो कि हमेशा नेगेटिव चीजों को लेके चलते हैं। सो हु रिजेक्ट आइडिया सजेस्टेड बाय अदर्स, टेक अ नेगेटिव एटीट्यूड ऑन इश्यूज, आर्ग्यूज फ्रीक्वेंटली एंड अननेसेसरली, इज पेसिमिस्टिक, रिफ्यूज टू कॉपरेट। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो कि नेगेटिव रोल जो है ना ग्रुप के अंदर प्ले करते हैं और हर अच्छी सजेशन को जो है ना वो रिजेक्ट करते हैं, हर बात के अगेंस्ट बात करने की कोशिश करते हैं, चीजों को मानने से इनकार करते हैं। सो ये नेगेटिविस्ट होते हैं ग्रुप के अंदर, नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। अगला है जी ग्रेसर का रोल, ट्राइज टू अचीव इंपॉर्टेंस इन द ग्रुप, क्रिटिसाइज और ब्लेम अदर्स, ट्राई टू गेट अटेंशन, शो एंगर और इरेशनल सॉरी इरिटेशन ग्रुप और अदर मेंबर्स। तो कुछ लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी बात के ऊपर ग्रुप में गुस्सा करके बैठ जाते हैं और ये भी जो है ना ग्रुप की डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। अगला अगला जो रोल है ब्लॉकिंग रोल, वो है जी प्ले बॉय का, इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्रुप, एक्सपेक्ट एज इट कैन हेल्प हिम और हर टू हैव गुड टाइम। तो कुछ लोग ग्रुप के अंदर बस इंजॉय करने के लिए आते हैं और उनको ग्रुप के किसी काम से जो है ना कोई वो नहीं होता। कुछ होते हैं स्टोरी टेलर, लाइक टू लॉन्ग फिनिश स्टोरीज विच आर नॉट रेलिवेंट टू द ग्रुप। कुछ लोग जो है ना वो ब्लॉकिंग रोल उनका ये होता है कि वो इररेलीवेंट डिस्कशन जो है ना ग्रुप के अंदर लेके बैठ जाते हैं, लंबी लंबी स्टोरियां सुनाते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, तो ये भी ग्रुप के लिए अच्छे नहीं होते, ये ग्रुप के काम को हिंडर करते हैं। अगला रोल है जी इंटरप्टर का, टॉक ओवर अदर्स, इंगेज इन साइड कन्वर्सेशन, विस्पर इन नेबरहुड नेबर। तो कोई मीटिंग हो उसके अंदर बातें करने वाला, चुटकुले छोड़ने वाला और इस तरह से जो है ना इंटरप्टर का रोल प्ले करते हैं और ये भी ग्रुप के लिए अच्छा रोल नहीं हो। अच्छा जी, ग्रुप रेल के रोल्स की जो आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो उसमें एक स्टेटस होता है और एक स्टेटस इनकॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है। तो इसको जरा अब आप लोगों ने रीड आउट करना है और फिर आप लोगों ने इसे समझने की कोशिश करनी है, फिर मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बेसिकली स्टेटस और स्टेटस इनकॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है।
हाँ जी, सो नेक्स्ट जी, चलें अब इसको हम दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं. सो स्टेटस इज द सोशल रैंक ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव टू अदर इन द ग्रुप बेस्ड ऑन द पोजीशन दे ऑक्यूपाई. सो हर बंदे का ग्रुप के अंदर एक स्टेटस होता है, तो अकॉर्डिंग टू वो सोसाइटी होता है कि मतलब आपको ग्रुप के मेंबर कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं. और स्टेटस इनकॉन्ग्रेंस क्या है, अकर व्हेन फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ग्रुप स्टेटस आर नॉट कॉन्ग्रेंट, सच एज व्हेन अ यंगर लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन बिकम्स द ग्रुप लीडर. सर, स्टेटस इनकॉन्ग्रेंस कैन हैव अ डिसरप्टिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप. ठीक है, सो क्यों नहीं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे या फिर यंग लोगों को क्यों नहीं बड़ी पोस्ट पे लगाया जाता, हालांकि वो बाद बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, क्योंकि उनको रेजिस्टेंस बड़ी फेस करनी पड़ती है. तो एक स्टेटस इनकॉन्ग्रुएंस आ जाती है उन्हें कि यार ये छोटा सा है, ये मेरा बॉस बनेगा, ये मेरे ऊपर हुकूमत करेगा, ये मुझे पढ़ाएगा, ये मुझे ये करेगा. तो ये चीजें ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. ठीक है, तो स्टेटस एंड स्टेटस इनकॉन्ग्रुएंस आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगला जो हमारे पास चीज है वो है जी रोल एम्बिग्विटी. जी नाउ आई वॉन्ट यू गाइस टू स्टडी दिस, इसको रीड आउट करें और देन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको इसमें से क्या समझ आती है. एंड दिस वुड बी ओवर लास्ट स्लाइड टूडे. नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे अगला लेक्चर में मेंटल हेल्थ का लूंगा. सो रोल एम्बिग्विटी एक दफा पढ़ लें, फिर हम आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. देन वी विल कनेक्ट फॉर 5 PM. नमाज पढ़िएगा और मेंटल हेल्थ का लेक्चर स्टार्ट करेंगे.